तो हे गाइस वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल वीडियो से क्यों बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं। तो वेलकम गाइस थैंक यू सो मच। हम लोग सारा प्यार गाइस वेलकम टू माय चैनल। हर बार तुम्हें पहले बताया था, पहले बोला दो ना। नहीं हम बोलेंगे। चलो शुरू करते हैं। नहीं मेरे देखो हम मेरा जो रूल है वो यही कहता है कि जो हारता है वो जीता है, जो जीतता है वो हारता है। स्वागत हम लोग के नई वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने हमारे पुराने वीडियो लाइफ बिफोर एंड आफ्टर कोरोना वायरस को बहुत ढेर सारा प्यार दिया और हम लोग का हाईएस्ट व्यूड और लाइक चैनल वीडियो बन गया उस चैनल का। इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो कुछ आपको कहना है? हेलो बस पक्का ना? कुछ नहीं, नहीं। फाइनल वाला? हाँ। फाइनल वाला ना? हाँ। सुपर फाइनल? हाँ। इन्फिनिटी फाइनल? हाँ, वो कुछ है वाला। ओके, तो आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। नमस्ते। तो, नहीं कहाँ से आ गए? फाइनल के बाद वाला फाइनल आ गया क्या? उस समय याद नहीं आया था, सॉरी। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, देख ही लिया होगा कि हम लोग पालक कटिंग आज करने वाले हैं। तुम बोली लो, सब बोलो। नहीं तुम बोली लो। नहीं हो गया, बोला तुम ही बोला। तो आज हम लोग चलो सही है। तो आज हम लोग जो था पालक कटिंग करने वाले हैं। नहीं हमको नहीं करना भाई, पर आओ हम नहीं आएंगे। पेमेंट चाहिए? पेमेंट कितना? 1500। पेमेंट दे तो कुछ भी कर लेंगे, पहले जो तुमको बोलना बोल दो। अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पालक कटिंग। तो ये पालक हम लोग उगाए थे 19 जनवरी को, जब मानव श्रृंखला यानी कि ह्यूमन चेन हो रहा था एनवायरमेंट के लिए। तो हम लोग ने सोचा एक पालक लीव्स उगाते हैं। तो कम से कम अभी तक 2.5 महीने हो गए हैं। तो कुछ कुछ लीव्स थोड़े बड़े हैं लेकिन कुछ कुछ अभी तक छोटे ही हैं। और बीच में हम लोग तो एकदम ही भूल ही गए थे कि हम लोग पालक लीव्स उगाए भी है। अभी बहुत सारा लीव बढ़ गया और बहुत सारा गर्मी की वजह से खराब हो रहा है। तो सोचा हम लोग ने कि इसको काटा जाए और उसी पे आइडिया है, तो ब्लॉग बनाया जाए, एक बार ट्राई किया जाए। ऐसे हम लोग को ब्लॉग का उतना आइडिया नहीं, फिर भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग अपना हथियार लाते हैं। चलो हथियार कहाँ? तो ये रहे हम लोग के हथियार। ये हम लोग डलिया, इसमें हम लोग पालक पत्ती काट के रखेंगे। और ये कैंची, इससे बड़ी नहीं मिली। नहीं ये सबसे बड़ा है। दूसरा लेके जा। ओके ये ठीक है। नहीं और इससे बड़े लेकर, कम से कम इस साइज की लो यार, अच्छे से काटे बने है ना। इतना बड़ा तो है। नहीं दूसरा लेकर जाओ। अरे यार तो अभी ये तो ठीक है ना। हाँ ये मेरे मर्दों वाली बात। चलो इसी से काटेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गार्डन की तरफ जहाँ हम लोग लगाए हैं पालक। तो चलिए चलो। जैसे कि आप देख सकते हैं यही पालक है जो हम लोगों ने जनवरी के मंथ में उगाया था। आप देख सकते हैं कुछ कुछ पालक के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और कुछ कुछ अभी तक छोटा ही है। किनारे किनारे में बहुत बड़ा है और कुछ कुछ गर्मी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है और बीच बीच में जंगली पौधे उग रहे हैं। तो हम लोग जो है पालक को कट करने वाले हैं, उसका ब्लॉग शूट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कट होता है। अभी हम लोग पालक काटने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। तो लो हथियार अपना, तो शुरू करते हैं। सीजर है यहाँ पर, देख रहे हैं कुछ इस तरह से कटाई हो रहा है पालक का। और ये देखिए फ्रेंड्स जो बड़े पत्ती की हम लोग ने बात की थी, इतने बड़े बड़े पत्तियां हैं और कुछ कुछ के बाद कुछ ज्यादा ही हरी हो जाएंगी। हाँ और कुछ कुछ बहुत ज्यादा डल हो गए। ये मत समझिए कि धनिया नहीं काट रही, धनिया भी काट रही है, अभी कैमरा के पीछे शूटिंग कर रही है। देखिए कुछ कुछ पीला पत्ता भी है, कितना बड़ा बड़ा पत्ती है। हाँ Thank you.
पर्सनल गार्डनर है नहीं तो 100% तो पूरा अच्छे तरह से नहीं काट पाएंगे, लेकिन अभी कुछ कुछ बचा हुआ है यहाँ पर, वो दोबारा फ्रेंड दोबारा उग जाएगा, वो इतना ज़्यादा रीजनरेशन पावर होता है लोगों के पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है, अभी ज़्यादा नहीं निकला, अभी यहाँ का पोर्शन बचा है, और तो ये हम लोग की प्रोग्रेस अभी तक बहुत ज़्यादा निकल गया है, अभी और भी ज़्यादा निकलेगा। इसमें तो देख रहे हैं थोड़ा डस्ट होगा, लेकिन पानी से धोने के बाद ये बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बड़ी ही मेहनत के बाद हम लोग को बहुत सारा लीव्स मिला है, और बहुत छोटा छोटा ही बच गया, उतना ज़्यादा नहीं बचा है। तो ये देखिए हम लोग का प्रोग्रेस अभी तक का, शायद अभी हो गया और नहीं निकलेगा, बस छोटा छोटा निकल रहा है। तो क्या अभी निकल रहा है क्या? बहुत ज़्यादा येलो येलो लीव्स भी है, अच्छा हुआ हम लोग निकाल दिया अभी, आई थिंक हो गया है। फ्रेंड ये है हम लोग का प्यारा सा मिर्ची का पेड़, तो आप इसमें कुछ नोटिस कर रहे होंगे, ये रेड कलर का मिर्ची जो आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया है, अभी देखिएगा काटने में। फ्रेंड्स ये मिर्ची का पेड़ देखिए कितना लाल हो रहा है, और बाकी कंपेयर कीजिए इन मिर्चियों से जो अभी नहीं उगा है, ये देखिए कितना ज़्यादा लाल है। तो फ्रेंड्स पालक और मिर्ची काटने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाली पूरे गार्डन का व्यू। तो पहला पेड़ ये अमरूद का पेड़, तो जब हम बहुत छोटे थे तभी पेड़ लगाया गया था, और अब बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत ही अच्छा पेड़ रहता है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये आता था शरीफे का पेड़, बहुत ही रसीला शरीफा आता है, और इसमें पानी की ज़्यादा ज़्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पेड़ है, बहुत ही टेस्टी शरीफा आ जाता है इसमें, और बहुत बड़ा हो गया पहले बहुत। यहाँ पर आपको दिख जाएगा मिर्ची का पेड़, वहाँ नींबू और वहाँ छोटी मिर्ची, जैसे कि हम लोग मिर्ची काटा था इसी वाले मिर्ची से काटा था, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये मिर्ची भी आया है, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक नकली पेड़, यानी कि सिर्फ शोपीस के लिए पेड़ है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा अमरूद का पेड़। तो अमरूद का पेड़ ये भी तभी लगा था जब वो वाला पेड़ लगा था, तो इसमें भी बहुत अच्छा सा अमरूद का पेड़ आता है। अरे यार दूसरे सस्ते आर्टिस्ट को बुलाओ, एक्चुअली जो सस्ता आर्टिस्ट है उसका एक्टिंग देख के वो कोरोना वायरस हो सकता है, इसलिए वो आपको बस बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे। सस्ते आर्टिस्ट को बुलाओ। सर सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया ना सर, को पता है ना सर लॉकडाउन है, तो कोई ऑटो ऑटो है नहीं बोला सर, खुद ही चला के आना पड़ेगा ना सर, सॉरी सर। तो सर शुरू करते सर, थोड़ा सा इधर आइए ना, हमको मच्छी काम कैमरा मैन है सर, लेकिन गलत भी दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं, पहले तो ये जब देख रहे छोटा सा वो अच्छा सा तुलसी का पेड़ है, उसके ऊपर बगल में आप जो देख रहे पेड़ वो उसमें बहुत खूब सारे खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, लेकिन वो जहरीला फ्लावर होता है, उसमें से वाइट लिक्विड निकलता है, बहुत जहरीला होता है, टेस्ट नहीं किया बता रहा हूँ, ऐसा पापा लोग कहते हैं। उसके बाद ये एक और शोपीस का पेड़ है, इसका थोड़ा पत्तियाँ थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है, जिंदा है पेड़। उसका पीछे देख रहे कड़ी पत्ता मीठी नीम का पेड़, जो हम लोग ढोकला वगैरह में या फिर जो सांभर चटनी मीठी चटनी होता है उसको यूज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद जो नीचा पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन बहुत ही सुंदर फूल देता है, हम लोग अभी तो ऐसा सीज़न चला जा रहा है इसका। उसके बाद एक और अमरूद का पेड़, तीन तीन अमरूद का पेड़ है, जी हाँ भाइयों बहनों, तीन अमरूद का पेड़ है, बहुत अच्छा अमरूद मिलता है बरसात के मौसम में। उसके बाद आता है ठंड के मौसम का डालिया का फूल आता है, बहुत ही सुंदर फूल देता है, अभी देख रहे हैं बहुत सारे फूल सूख गया, पत्तियाँ सूख रही, अभी सीज़न ख़त्म हो रहा है इसका, ठंड के समय बहुत ही अच्छा उगता है। पहले आता तो बहुत ही छोटा रहता है, एकदम एक उंगली जितना छोटा होता है, लेकिन देखिए बढ़ता तो ऐसा एकदम भयंकर बढ़ता है सीधा। उसके बाद आता है हम लोग के यहाँ तुलसी भगवान जी, मतलब भगवान जी मतलब तुलसी का पेड़ आता है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है बलका बनाने में, बहुत सारा औषधि बनाने में बहुत काम आता है। उसके बाद आता है हम लोग का इस सीज़न का हीरो आम का पेड़ है ये, लेकिन आज तक हम लोग को एक भी आम नहीं दिया, पता नहीं क्या है, लगता खफा है हम लोग से, जब कितना ध्यान देते पेड़ का, सॉरी क्या कर सकते। तो अगला है हम लोग का तुलसी का पेड़, तुलसी का पेड़ फिर से एक और है और उधर ही है, लेकिन सर क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक हमको देना है, आई एम कैमरामैन सेट अप। तो ये है तुलसी का पेड़, तुलसी के पीछे है नीम का पेड़, सर शट अप आई एम कैमरामैन, सर हम लास्ट आर्टिस्ट हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसी से काम चलाना होगा आपको,
तो पीछे है नीम का पेड़, असली नीम का पेड़। हम लोग का चाइना रोज, हिबिस्कस का प्लांट, बहुत ही सुंदर फूल रहता है ठंड के मौसम में, एकदम भर जाता है प्लांट, पूरा प्लांट एकदम सुंदर हो जाता है, शादी के लिए तैयार हो इतना सुंदर हो जाता है। लेकिन वो समर सीजन है, अभी ऑफ सीजन है। तो ये था हम लोग का गार्डन का व्यू। थैंक यू वेरी मच।